नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का शीर्षक है, मैंने पहले भी बताया था कि जो कम्युनिटी हेल्थ है या CMSED है, तो बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूबर डाल रहे हैं। वो कहीं कह रहे हैं कि ऑटोनॉमिक संस्था होती है, रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है, उनसे ना करो, यूनिवर्सिटी से करो। अब मैंने यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया या उनके सो कॉल्ड सेंटर्स को, क्योंकि तो यूनिवर्सिटी कोई भी हो, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर सेंटर खोल ही नहीं सकते। मान लीजिए हमारी पंजाबी यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, वो अगर एफिलिएशन देगी किसी को तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा चाहिए। मेरा ख्याल 5 से 10 एकड़ ज़मीन चाहिए, फिर जो कोर्सेज मिलेंगे, बड़ा लंबा चक्कर है, यानी कि बंदे की कमर टूट जाएगी एक अच्छी यूनिवर्सिटी ब्रांडेड से, नए के ट्रेडिशन से, अगर वो एफिलिएशन देता है। अब कोई बंदा कहे कि मैं को पास कह लीजिए, वो एफिलिएशन होती है रेगुलर कोर्सेज की, वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। उनके लिए आप रिव्यूज कर जाते हो, और कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट हो और वो कहे कि मैं तो एफिलेटेड हूँ, तो एफिलेटेड लफ्ज जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो सिर्फ प्रॉस्पेक्टस भेज रहा है या उसकी एडमिशनें इकट्ठी करता है और आगे भेज देता है। मेरा सवाल ये था कि कुछ यूनिवर्सिटीज मॉल प्रैक्टिस कर रही हैं, ऑनलाइन पैरामेडिकल कोर्सेज या डिस्टेंस से ऑन पैरामेडिकल कोर्सेज चला रही हैं, तो बहुत पहले ही ऑनलाइन और डिस्टेंस से प्रोग्राम बंद हो गए थे। रेगुलर कोर्स करिए, डमी करेंगे वो बात अलग है कि डमी कर रहे हो, क्या यूनिवर्सिटी करा रही है वो उसकी सिरदर्दी है। मैं कह रहा हूँ रेगुलर कोर्स जो है पैरामेडिकल में, इंजीनियरिंग में, फिजियोथेरेपी में, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई सेंटर कहता है, सेंटर का मतलब कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट और स्टडी सेंटर में फर्क है। स्टडी सेंटर पहले हुआ करते थे, और जो कॉलेज होता है, कॉलेज वो तो पूरी एफिलिएशन लेनी पड़ती है, वो बड़े बड़े डिग्री कोर्सेज करवाता है और उसकी आप रीस नहीं कर सकते, आदमी की कमर टूट जाती है। यूनिवर्सिटी खड़ी करनी और कह लो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी खड़ी करनी और एक कॉलेज की एफिलिएशन लेनी, वो होती है। आम बंदा इंस्टीट्यूशन को कॉलेज समझ बैठता है और कॉलेज को इंस्टीट्यूशन समझ बैठता है। इसके लिए वीडियो बाद में बताऊंगा। तो मेरे पास डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो जो कि पार्ट है UGC का, ये 27/8/2022 की लेटर है। इसमें साफ लिखा है कि ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन, 22 की बात कर रहा, मैं 2010-13 की नहीं कर रहा, प्रोहिबिटेड प्रोग्राम्स हैं ये। ओपन डिस्टेंस लर्निंग ODL मोड में नहीं चलने चाहिए इन हायर एजुकेशन, और इंजीनियरिंग का आप डिस्टेंस या ऑनलाइन नहीं कर सकते, मेडिकल का नहीं कर सकते। मेडिकल का मतलब आप MBBS के बाद कोई कोर्स कर रहे हो, MBBS तो डिस्टेंस में होती ही नहीं। हमारे पास फोन आता है कि MBBS AM करनी है, अब बताओ क्या बात करनी। फिजियोथेरेपी ऑनलाइन डिस्टेंस नहीं होती, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो नहीं होती, अदर पैरामेडिकल डिसिप्लिन जैसे फार्मेसी, नर्सिंग, डेंटल, आर्किटेक्चर, लॉ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी, कलरी साइंसेज, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, विजुअल आर्ट्स एंड सपोर्ट्स, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम, MPhil, PhD भी आप डिस्टेंस से या ऑनलाइन नहीं कर सकते। सच अदर प्रोग्राम नॉट परमिटेड टू ऑफर थ्रू ODL और ऑनलाइन मोड बाय कंसर्न्ड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी और काउंसिल। ये साफ लिखा है, ये मेरे पास ये चिट्ठी 24 मार्च 2023 को ये जवाब आ गया। तो कहने का मतलब ऑनलाइन कोई एग्जाम लेता है
या ऑनलाइन सेंटर बनता है तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बेहतर जानती है यूजीसी की कि उस वो कोर्स जो है जो लोग कह रहे हैं कि हम सीएमएसईडी ऑनलाइन कर देंगे, संस्था का कराना अलग बात है क्योंकि संस्था यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के दायरे में नहीं आती। लोग संस्था को बदलाव करते हैं तो ये जो भी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी तो भागती नहीं, संस्था भाग जाती है और यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन भी तो वही होता है, वो भी सोसाइटी या ट्रस्टी चलाती है। इसका मतलब कोई भी सरकारी या गैर सरकारी फर्स्ट एड कोर्स या सीएमएसईडी कोई यूनिवर्सिटी चलाती है, अगर वो ऑनलाइन मोड या डिस्टेंस पे चलाती है तो उसका कोर्स रिकॉग्नाइज नहीं है, चाहे यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है। समझ गए? अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सरेआम लिखा है।